हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज 8 अक्टूबर 2019 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऐप से आप करंट अफेयर के टेस्ट भी लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐप पर आपके लिए अवेलेबल हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही मोटिवेशनल पावरफुल थॉट के साथ और आज का ऐसा थॉट है जो सीधे दिमाग में जाएगा कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका बातें बंद काम चालू। हम में से अधिकतर लोग कई बार क्या होते हैं, सोचते रहते हैं कि यार मैं फला काम करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, बड़े बड़े सपने बनाते हैं, लेकिन कई बार वो सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन कर रह जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज़ को शुरू करने का, आप उसके बारे में बातें करना बंद कर दो और काम करना शुरू कर दो, शुरुआत हो जाएगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पड़ेगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि किस मंत्रालय ने ऑटोमेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। दूसरा प्रश्न कि किस मंत्रालय द्वारा प्रकाश नामक पोर्टल सेवा प्रारंभ की गई है, ये ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने शुरू की है। तीसरा प्रश्न, विंग कमांडर अभिनंदन के किस स्क्वाड्रन उस पूरे समूह को कहा जाता है, उसको पाकिस्तान के हवाई हमले से जो बचाव किया था उसके लिए सम्मानित किया जाएगा, ये 51 स्क्वाड्रन है। चौथा प्रश्न है कि पांचवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन गोवा में होगा। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय सेना और किस बैंक के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। छठवा प्रश्न है कि टैगोर शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। सातवां प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज 350 टेस्ट विकेट पूरे करके मुरलीधरन का जो रिकॉर्ड है उसको बराबरी की है, और ये रविचंद्रन अश्विन ने। और आठवां प्रश्न है कि किसने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतिस्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये भारत के अविनाश सावले हैं। ये थे हमारे कल के पड़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्न की। और वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए किस क्षेत्र में विलियम जी कैलिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, इनको सम्मानित किया जाएगा, तो इनको सम्मानित किया जाएगा चिकित्सा विज्ञान के लिए, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए इनकी क्या है। तो 2019 के लिए चिकित्सा का नोबेल जो प्राइज़ दिया जाएगा वो दिया जाएगा विलियम जी कैलिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, इनके द्वारा किया क्या किया गया है। तो इन्होंने जो है, वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं पर एक शोध किया है, तो उस शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, राइट। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पर इसका सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें इनको जो है जो पुरस्कार दिया जाएगा, राइट। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इसमें से अर्थशास्त्र सबसे बाद में दिया जाने लगा 1960-61 से, उससे पहले केवल इन 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये नोबेल फाउंडेशन है और ये दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी याद में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे, उन्होंने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, इनके द्वारा क्षेत्रीय ई आकलन केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र इसका जो उद्घाटन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल लिख लीजिए क्या है इसकी। तो राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, इन्होंने राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र और क्षेत्रीय ई आकलन केंद्रों का उद्घाटन किया। अब ये कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र तो नई दिल्ली में है, जो क्षेत्रीय ई आकलन केंद्र है वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद में खोले गए हैं। अब इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य ये है कि जो आयकर रिटर्न होता है उसको ऑनलाइन आकलन करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, जो करदाता होगा उनको यहाँ पर जो आयकर भवन है या आयकर कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, वो इन केंद्रों के माध्यम से ही अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि ई दंत सेवा वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल लिख लीजिए कि आखिर है क्या। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी
और इनके द्वारा ई दंत सेवा के नाम से एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। और इसमें क्या होगा, एक जो दंत चिकित्सा या डेंटल नॉलेज है उससे संबंधित जानकारी और जो ज्ञान है उसको ये साझा करेगा लोगों के साथ में। और ये पहला अपने प्रकार का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है दंत चिकित्सा से संबंधित। अब बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी की। इनका लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को और दुनिया के अंदर पहली बार ये मनाया जा रहा है इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो विश्व कपास जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है वो जिनेवा के अंदर पहला विश्व कपास दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो दिवस है इसमें भारत से भी शामिल होने के लिए प्रतिनिधि गए हैं और जो हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं उनके नेतृत्व में एक पूरा हमारा प्रतिनिधित्व मंडल वहाँ पर गया हुआ है। और ये जो शुरुआत किया गया है ये कुछ देश हैं जो कॉटन में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेनिन है, बुर्किना फासो है, चाड है और माली है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कपास होता है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे WTO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुई थी और इससे पहले एक संगठन हुआ करता था GATT यानी गेट, और इसके स्थान पर इसको जो है स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि अनुमूला गीतेश शर्मा इनको किस देश का उच्चायुक्त तो बनाया गया है, तो अनुमूला गीतेश शर्मा इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, कमिश्नर हाई कमिश्नर बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैंने आपको पहले भी बताया था उच्चायुक्त केवल उन्हीं देशों में बनाए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ यानी कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश होते हैं, जबकि अन्य देशों में राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, तो ये आप अंतर याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी डिटेल में, तो वरिष्ठ राजनयिक हैं अनुमूला गीतेश शर्मा, इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के अधिकारी हैं ये IFS और ये SAM गोंडेन इनका जो स्थान लेंगे, राइट। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लिए चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये भारत है और ये है ऑस्ट्रेलिया, यानी नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे तो बीच में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं रहती, यहाँ की जितनी भी आबादी रहती है वो किनारे शहर बसे हुए हैं, जैसे यहाँ पर पर्थ है, इधर मेलबर्न है, इधर देखेंगे तो ये एडिलेड है, ये कैनबरा है जो यहाँ की राजधानी है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, तो ये सब किनारे बसे हुए शहर हैं, राइट। और यहीं पर इस तरफ देखेंगे तो आपने एक नाम सुना होगा कोरल रीफ के नाम से, राइट, तो ये कोरल रीफ भी यहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना, कोरल रीफ की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है पूरी यहाँ पर, वो यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, छठवां है कि सिंगापुर के भारतीय मूल के कन्नन रमेश सिंह इनको जो है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य आयुक्त बनाया गया है, और ये बनाए गए हैं ब्रुनेई में, राइट, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब ये भारतीय मूल के हैं लेकिन जो है किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहे हैं, तो ये सिंगापुर में के सर्वोच्च न्यायालय में और न्यायिक आयुक्त बनाए गए हैं ब्रुनेई में, तो ये तीनों जानकारियां अलग अलग हैं याद रखिएगा। तो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं रमेश और कन्नन रमेश, इनको जो है ब्रुनेई के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक आयुक्त के रूप में इनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है और इनका कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। तो क्या अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर है वहाँ के न्यायाधीश नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वहाँ के ये पूर्णकालिक न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे और उसके साथ साथ ये ब्रुनेई के भी न्यायिक आयुक्त तो बने रहेंगे। अब ब्रुनेई की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान और यहाँ के सुल्तान हैं हसन अल बोलियाए, और ये जो बहुत फेमस रहते हैं चर्चा में रहते हैं अपने अमीरी के प्रदर्शन के लिए, क्योंकि अमीर तो हैं लेकिन अमीरी का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा करते हैं इसलिए बहुत चर्चा में रहते हैं। ब्रुनेई रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। चलिए मैप में मैं आपको अब ब्रुनेई लिए चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको ब्रुनेई जाना है तो आप मूव कीजिए थोड़ा सा पश्चिम में, सॉरी पूर्व में, पूर्व में आप जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर का देश मलेशिया, और मलेशिया के यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर का आपको देश दिखाई दे रहा है ये पहाड़ है एक्चुअल में, इस पहाड़ के पीछे की तरफ देखेंगे तो ये कोने में देखिए ये ब्लू कलर का देश है, ये है ब्रुनेई, राइट, जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है, और ये है सिंगापुर,
यहाँ पर, यहाँ पर ये यह सिंगापुर है यहाँ पर, तो सिंगापुर के हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज और यहाँ पर उनको न्यायिक आयुक्त तो नियुक्त किया गया है कन्नन रमेश जी को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न का सातवां प्रश्न है कि किन है UNEP का एशियाई पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा भारत के रमेश पांडे जी को, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए इनकी क्या है, तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं रमेश पांडे जी और इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, यह एशियाई पर्यावरणीय प्रवर्तन पुरस्कार इसके लिए चुना गया है। और इसलिए इनकी जो प्रसिद्धि है वो इसलिए है कि जो अवैध शिकारी होते हैं उनसे संबंधित खुफिया जानकारी और जांच के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब ये पुरस्कार जो है 13 नवंबर को दिया जाएगा, बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केंद्र है वहाँ पर ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा 13 नवंबर को। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की यानी कि UNEP की। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, जिसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, आठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश में बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है या लगाया जाएगा, इससे संबंधित वहाँ पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है और ऐसा किया जाने वाला है स्कॉटलैंड में, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो स्कॉटलैंड में बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला जो UK का पहला हिस्सा बन गया है। अब आपको ये याद रखना है UK के अंदर एक्चुअल में चार देश आते हैं, राइट, चार देश मिलके क्या बनाते हैं UK यानी यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। इसमें एक शामिल है स्कॉटलैंड, एक शामिल है इंग्लैंड, एक शामिल है वेल्स और एक शामिल है नॉर्थ आयरलैंड, राइट। ये चारों जब आपस में मिल जाते हैं, चारों आप ऐसे समझ सकते हैं जिससे चारों भारत के राज्य हों, लेकिन ये राज्यों से ज़्यादा इनको स्वायत्तता प्राप्त है, इनकी अपनी वहाँ पर मुद्रा होती है, अपना मंत्रिमंडल होता है, ये केवल परिसंघ जैसे चीज़ें हैं कि चारों अलग अलग स्वायत्त देश हैं और कई सारी टीमें भी इनको अलग अलग मिलेगी। आपने स्कॉटलैंड की टीम सुनी होगी, जो इंग्लैंड की टीम आप सुनते होंगे कभी, ब्रिटेन की या UK की टीम, क्रिकेट टीम की नहीं सुने होंगे, इंग्लैंड की सुने होंगे, राइट। तो थोड़ा सा इनमें बेसिक अंतर है। अब ये देश के अंदर ऐसा कानून पेश कर दिया गया है कि जिसमें बच्चों के खिलाफ जो शारीरिक दंड होता है उसका उपयोग करने वाले, चाहे वो माता पिता हों या देखभाल करने वाले हों या टीचर हैं, उसको एक आपराधिक अपराध बनाया गया है, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, यानी उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है, माता पिता हो चाहे वो कोई भी हो। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये बच्चों को जो वयस्कों की तरफ से हमला होता है उससे सुरक्षा प्रदान करना। अब स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं, यहाँ की राजधानी एडिनबर्ग है और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के अधीन एक राज्य है, यहाँ अपना मंत्रिमंडल है, यहाँ की मुद्रा का रंग और उस पर बने जो चित्र हैं वो लंदन के पौंड से कुछ अलग हैं। आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है वो पौंड है, लेकिन यहाँ के पौंड, हालांकि ये चारों देशों के अंदर एक जैसे पौंड चलते हैं और चारों के जो पौंड है एक दूसरे के देश में चलते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग देशों के पौंड में थोड़ा अंतर होता है, राइट। अब मैं स्कॉटलैंड आपको मैप में लिए चलता हूँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको स्कॉटलैंड जाना है तो मूव कीजिए ऊपर की तरफ। ऊपर आप मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है यूरोप और यूरोप में ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है जो आयरलैंड के साथ में लगा हुआ है ये तो नॉर्थ आयरलैंड है, और जो लंदन दिखाई दे रहा है और इसके आसपास का ये जो हिस्सा है लंदन के आसपास का ये हिस्सा इंग्लैंड कहलाता है, इधर का छोटा सा हिस्सा कहलाता है वेल्स, और ऊपर का ये बड़ा सा हिस्सा है ये वाला यूनाइटेड किंगडम जो लिखा हुआ ना, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से लेकर तो ऊपर तक का ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी आप देखेंगे तो ये एडिनबर्ग जो है इसकी राजधानी है, ग्लासगो यहाँ का एक बड़ा शहर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न नवा है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर नई दिल्ली लगा हुआ, ये गलत ऑप्शन टिक हो गया है, तो भोपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भोपाल नगर निगम और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB है उसने देश के अंदर पहले ई कचरा क्लिनिक की स्थापना के लिए एक दूसरे से समझौता किया है और घरेलू और वाणिज्यिक कचरा दोनों प्रकार के कचरों का ये पृथक्करण करेगा, प्रसंस्करण करेगा उन्हें, यानी कि उनको सेपरेट करेगा, उनकी प्रोसेसिंग करेगा और उनको डिस्पोजल करेगा यानी उनको निपटान करेगा, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ई कचरा कैसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है, तो डोर टू डोर इलेक्ट्रॉनिक कचरा एकत्र किया जाएगा और उसे शुल्क के बदले सीधे क्लिनिक में, यानी आपको कुछ पैसा देना होगा और उसके बदले सीधे क्लिनिक में भी जमा करवा सकते हैं ई क्लिनिक में। अब बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की तरफ के, किसने बर्लिन में विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये कारनामा किया है सुरेंद्र सिंह ने।
यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो जर्मनी के बर्लिन के अंदर आयोजित हो रही है विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इसमें भारत के सुरेंद्र सिंह ने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने 110 किलोग्राम वर्ग में और क्लासिक रॉय स्पर्धा में स्वर्ण पदक और सिंगल प्लाई स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक का पुरस्कार प्राप्त किया है। अब यहाँ पर 3 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं मुकेश सिंह, इसी प्रतियोगिता में उनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी 4थी बार भी वो विश्व चैंपियन बन गए हैं। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की हम बात करेंगे यहीं समाप्त, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।